नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विथ शुभम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रो रेलवे 10th पास भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 250 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को इसके अंदर 3 से 4 तरह की टोटल पोस्टें मिलेंगी, जहां पे आपको आगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप लोग भी केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी लोग साल 2021 में रेलवे मेट्रो के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी करना चाहते हैं अच्छी सैलरी पैकेज पर, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। दोस्तों, आगे हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप सभी को कैसे आवेदन करना है, कब से लेकर कब तक आवेदन चलेंगे, क्या एज लिमिट होनी चाहिए और आप लोग कहां कहां से आवेदन कर पाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों का दिल से सपना है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए हम लोग अपना नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं और आपको आगे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे डेट देख पाएंगे 28/2/2021 यानी कि 28 फरवरी के दिन यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और यहां पे आपको नोटिफिकेशन इशू यहां पे 3/3/2021 यानी कि 3 मार्च को देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 11/3/2021 यानी कि 11 मार्च से शुरू होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो इसकी आखिरी डेट है, लास्ट डेट है, वो यहाँ पे 2/4/2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 रखी गई है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी, साथ में यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी पैकेज देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको मिल जाएगी देखने को। यहाँ पे आपको असिस्टेंट की पोस्टें मिल जाएंगी, इसके बाद स्टेशन कंट्रोलर की पोस्टें मिल जाएंगी, कम ट्रेन ऑपरेटर की, मेंटेनर की पोस्टें मिल जाएंगी और यहाँ पे सैलरी आपको 19,500 रुपये से लेकर 39,900 रुपये तक मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज है, सिलेक्शन प्रोसेस है जहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के सेंटर और उसके बारे में डिटेल करी गई है, साथ में यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम जो होना है इसका सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। इन सारी चीज़ों का आगे हम डिस्कस करेंगे। देन अगर आप लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है, साथ में यहाँ पे आपको कोस्ट बताई गई है और इसके अलावा ट्रेनिंग एंड प्रमोशन के बारे में बताया गया है। देन इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कई सारी जानकारी मेंशन करी गई जिनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेट्रो रेलवे की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन को मैंने आप सभी को दिखा दिया है, जहां पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। वेतन यहां पे मिनिमम 33,000 रुपये तक रखा गया है। नोटिफिकेशन में एक बार और चल के दिखाएंगे। आपको बता दें कि मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बड़ा मौका आ चुका है, जहाँ पे आखिरी डेट 2 अप्रैल 2021 की रखी गई है। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, उम्र यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो है तो 33 यानी कि 33 साल तक की होनी चाहिए और आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक 11 मार्च 2021 से एक्टिव हो जाएगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। अब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, जहाँ से आपको सारी डिटेल में जानकारी क्लियर होती जाएगी। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे मेट्रो रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर 292 वेरियस पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे मार्च 4/2021 का बड़ा अपडेट है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग spgyan.com पे जा सकते हैं। जैसे ही आप लोग spgyan.com की वेबसाइट पे पहुंचेंगे, आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के अंदर फर्स्ट नंबर अपडेट मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप लोग देख पाएंगे LMRCL यहाँ पे मेट्रो वेरियस पोस्ट वैकेंसी है। इसके बाद आपको इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको बेसिस के लेकर अपर लेवल की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। यहाँ पे सैलरी के बारे में भी बात करी गई है, तो अभी हम लोग जो है तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो स्क्रॉल करके आप लोग नीचे आएंगे तो वैकेंसी के अंदर आपको यहाँ पे 292 पोस्टें मिलेंगी, जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की 6, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए 186, मेंटेनर सिविल के अंदर 24, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के अंदर 52 और मेंटेनर SNT के अंदर 24 पोस्टें रखी गई हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आपका 11 मार्च है और लास्ट डेट यहाँ पे आपका 2 अप्रैल 2021 रखा गया है। इसके बाद आप लोग एडमिट कार्ड 10 अप्रैल से डाउनलोड कर पाएंगे और आपका जो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है,
रिटर्न एग्जाम का वो 17/4/2021 यानी कि 17 अप्रैल के दिन का रखा गया है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 33 ईयर विथ रिलैक्सेशन के साथ होनी चाहिए, यानी कि आयु सीमा में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट भी दिया जाएगा। इसके बाद अप्लीकेशन फीस कितनी लगनी है उसके बारे में हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बात करेंगे। और टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे है तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, और जिस भी जॉब के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे आवेदन भी कर पाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन होने वाला है, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से राज्यों से आप आवेदन कर पाएंगे। देन बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेटर के अंदर यहां पे आपको 50,000 रुपये से लेकर 160,000 रुपये तक, और स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर के लिए 33,000 रुपये से लेकर 67,300, और मेंटेनर सिविल मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और मेंटेनर एसएनटी के अंदर 19,500 रुपये से लेकर 39,900 रुपये की आपको सैलरी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th पास, और इसके बाद यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए हमको ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना होगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 2 अप्रैल 2021 आखिरी डेट है, आपको मेट्रो डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। आप लोग spgyan.com पे भी जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। अभी हम लोग जो है तो spgyan.com की वेबसाइट पे चलते हैं, जहां पे आपको नोटिफिकेशन के साथ सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मेंशन करी गई तो मिल जाएगी। आप लोग नीचे आएंगे, जैसे ही क्लिक करके आपके सामने यहां पे इम्पोर्टेंट लिंक ऑप्शन आएगा। इम्पोर्टेंट लिंक के ऑप्शन पे आपको अप्लाई का लिंक दिया गया नोटिफिकेशन का, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पे क्लिक करिए, और नोटिफिकेशन के लिए सेकंड वाले पे क्लिक करिए। आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड की बटन आएगी, डाउनलोड की बटन पे क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोडिंग में लग जाएगा और जल्दी ही ओपन भी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको सेम डेट दी गई है 11 से लेकर अप्लाई करने की 2 अप्रैल की। इसके बाद आप लोग इसके अंदर सारी जानकारी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप लोग फॉर्म भरने की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जो है तो वीडियो को जितना जल्दी हो सके 500 लाइक के टारगेट को कंप्लीट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली अपडेट भी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।